भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोलन में पुराने बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं सांसद वीरेंद्र कश्यप और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि और कार्यकर्ताओं ने कारगिल के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान भाजोमो के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में युवा इस तरह से कार्यक्रम आयोजित नहीं करते हैं, वह दिशाहीन हो चुके हैं। वहीं भाजोमो के कार्यकर्ता देश प्रदेश शहर और गांव को दिशा देते हैं। उन्होंने भाजोमो के युवाओं को 2019 के चुनावों के लिए कमर कसने को कहा और उन्होंने आह्वान किया कि आपसी गुटबाजी को भूलकर आने वाले चुनावों में भाजपा को विजय दिलाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश को प्रदेश को अपने गांव को समाज को दिशा देते हैं और वो जो दूसरे लोग हैं वो दिशाहीन हैं, उनको पता नहीं है कि ये कार्यक्रम इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। मैं सबसे पहले युवा मोर्चा की इस टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने एक अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ किया है। नौजवान जितने भी यहाँ पे नौजवान आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, 2019 में आपका अगला चुनाव आने वाला है और 2019 में अगले चुनाव के अंदर यहाँ का प्रदर्शन अच्छा रहे। इस बार कुछ वोटों के अंतर से हमारा कैंडिडेट यहाँ से हारा है, इसलिए अगली बार यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा वोटे ले, इकट्ठे होकर चले, गुटबाजी ना करें, जिस व्यक्ति को आगे किया है उसको आशीर्वाद दे और आप सभी इकट्ठे होकर चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे।